इस सीजन में मैंने बहुत बार बार्सिलोना को क्रिटिसाइज किया है, बहुत बार मैंने जावी को क्रिटिसाइज किया है, बोला कि उसके टैक्टिक्स बेकार है, सब्स्टिट्यूशन बेकार है, प्लेयर्स के अंदर मेंटेलिटी नहीं है सब कुछ, बट टुडे आई एम रियली प्राउड टू बी बार्सा फैन, नॉट ओनली टुडे बट स्पेशली टुडे, क्योंकि शायद आप लोगों को लगे बार्सिलोना ने बॉटल कर दिया फिर से, हम हार गए, दिस इज वन ऑफ द पर्सपेक्टिव एंड दिस इज ट्रू, हमने हार गए आज, वी आर आउट ऑफ द चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल में से, बट मेरी थिंकिंग थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी मैं आपको समझाना चाहूंगा कि वाई आई एम स्पेशली प्राउड ऑफ दिस परफॉर्मेंस। पहली बात तो एराउहो के रेड कार्ड के बारे में बात करेंगे, बट वी लॉस्ट द गेम व्हेन क्रिस्टेंसन रिसीव अ सेकंड येलो ऑन द फर्स्ट लेग ऑफ क्वार्टर फाइनल्स, क्योंकि व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर लाइनअप विदाउट अ प्रॉपर डीएम, पहली बात तो हमारे पास कोई प्रॉपर डीएम है नहीं, बट फिर भी जब क्रिस्टेंसन है और ही इज नॉट देयर इन द होल लाइनअप और ऐसे सिचुएशन होता है, देन यू नो इट गोइंग टू गेट स्क्रू अप, थिंग्स विल गेट स्क्रू अप, क्योंकि यू आर अगेंस्ट ब्राजी बारकोला, यू आर अगेंस्ट उस्मान डेम्बेले, यू आर अगेंस्ट किलियान एम्बापे, ज़ायरी एमरी, नूनो मेंडीज, हकीमी, इनके पास मतलब क्या, दे आर ऑल फ्लैश, ठीक है, यू विल डू वन मिस्टेक और ट्रांजिशन में आप खा जाओगे। अब क्या एराउहो को वो टैकल करने की जरूरत थी, बहुत आप में से बहुत बोलोगे यार गोल चले जाना देता, गोल हो जाता तो क्या हो जाता, रेड कार्ड तो नहीं होता, हम कम बैक कर लेते, बट कम ऑन ब्रो, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड एंड ही इज एंटिसिपेटिंग ईच एंड एवरी मूव, ही इज अ डिफेंडर, उसके दिमाग में तब ये नहीं आएगा कि यार रेड कार्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसका काम ही है बॉल को पर एंटिसिपेट करना, प्लेयर्स को गिराना, और वो तो पेनल्टी के बॉक्स से बाहर ही किया, एंड या यू कैन से दिस वाज रेड कार्ड बिकॉज देयर वाज नो मैन बिहाइंड हिम, सो रूल वाइज मतलब रेड कार्ड बनता है, बट अगर रेफरी मतलब ये है ना 70-30 का रिलेशन था, अगर रेफरी एक बार वार में देख लेता तो ये उसको येलो कार्ड कर देता, क्योंकि इट वॉज सॉफ्ट, इट वॉज रियली सॉफ्ट, बट यार कुदोस टू जावी, उसके लाइनअप वॉज परफेक्ट, क्योंकि बहुत सारी कमी थी हमारे पास, क्योंकि तुम हमारा लाइनअप देखो, ठीक है, कुबार्सी इज अ ग्रेट प्लेयर, लमिन यमाल जिसने पहला गोल एसिस्ट किया, इज अ ग्रेट प्लेयर, बट व्हेन एराउहो गॉट द रेड कार्ड द होल 11 फक्ड अप, कैसे, लमिन यमाल को सब्स्टिट्यूट करना पड़ा, क्योंकि एक डिफेंसिव प्लेयर को चाहिए, वरना तो आप 8 गोल भी खा सकते हो, ठीक है, तो क्या हुआ, हमारा जो फ्रंट लाइन है दैट गॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, अवर मिडफील्ड ऑल्सो गॉट कॉम्प्रोमाइज, कैसे, क्योंकि जब आप वन मैन डाउन हो देन यू हैव टू प्रेस, और आप प्रेस 10 मैन अगेंस्ट 11 मैन तो कर नहीं सकते हो, तो फिर आपके जो मिडफील्डर है उसको बहुत ज्यादा डीप डाउन डिफेंड करना पड़ेगा, जैसे पेडवियाज कर रहा था, गुंडोगान कर रहा था, फ्रेंकी डी योंग कर रहा था, दैट मीन्स कि हम अटैक तो बना ही नहीं सकेंगे, और फिर डिफेंस में अवर मेन मैन और वॉल एराउहो वॉज मिसिंग, और व्हेन एराउहो इज मिसिंग अगेंस्ट एम्बापे, नूनो मेंडीज, तब आप क्या ही बोलोगे, ब्रैडली बारकोला आप क्या ही बोलोगे, लाइक देयर इज नो वे, लाइक ये एनीमे नहीं चल रहा कि हीरो गिर गया लास्ट मोमेंट पे मुक्का मार के जीत जाएगा, नहीं होता भाई, फुटबॉल है, रियलिटी है ये, ठीक है, नहीं होता, सर्कमस्टेंसेस बहुत अलग थे अंटिल दैट रेड कार्ड, रेड कार्ड तक हमारा प्लान परफेक्ट था, हम सीट बैक कर रहे थे, हम बिल्कुल पाकदाबासी कर रहे थे, काउंटर्स पे हम लोग खेले, लमिन का एक बहुत बढ़िया एक पास, उसमें से गोल रफीना का, रफीना वॉज वेरी गुड थ्रू आउट, ही वॉज ब्रिलियंट इन बोथ द लीग्स, बट क्या कर सकते हैं, अगर अनफॉर्चुनेट रेड कार्ड मिल जाए तो कुछ नहीं कर सकते, दिस इज डाउन टू लक, और जिन्होंने भी आज का गेम देखा है वो लोग एग्री करेंगे मुझसे कि बार्सिलोना ने आज कुछ क्रम्बल या बॉटल नहीं किया, देर वॉज नो वे, देर वॉज नो फकिंग वे कि बार्सिलोना कुड ओवरटर्न दिस, हाँ हो सकता था बहुत ही रियल सिनेरियो में, जब अगर वो कैंसिलो का वो रेड मतलब वो पेनल्टी नहीं दे देता, अब कैंसिलो से मैं थोड़ा सा मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार यू विल नॉट गो फुल ऑन टैकल डेम्बेले के ऊपर, फिर हमने भी चांस बनाया, उसके बाद भी गुंडोगान का एक शॉट बाढ़ में लगा और लेवेंडोव्स्की ने सेल्फिशली एक पास नहीं किया काउंटर अटैक इन सीनियरिटी में, थिंग्स कुड हैव बीन चेंज, पर तुम बोलोगे क्या, तुमने 3 मिलियन स्पेंड किया है पूरे विंडो में, उसके बाद यू आर अगेंस्ट किस और पीएसजी, एक मिनट रुको, मैं पीएसजी का एक बार स्टार्टिंग लाइनअप नहीं बेंच में कौन कौन था बताना चाहता हूँ, दे हैव गॉट स्क्रीनियर, दे हैव गॉट बेराल्डो, दे हैव गॉट गोंचालो रामोस, दे हैव गॉट कोलो मुआनी, एसेंसियो, कैन इन ली, और हमारे पास कौन है, मिकेल फाइल, हमारे पास कौन है, कसाडो, ये लोग बच्चे है यार, हमारा स्क्वाड कुछ था ही नहीं, देयर वाज लाइक वी लैक प्लेयर्स, वी नीड प्लेयर्स, दिस शोज हाउ बैड पोजीशन इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली वी आर स्क्रूड अप बिग टाइम, हमको एक डीएम लाना होगा, अगर हम ये मैच जीत भी जाते हैं फिर भी ए डीएम इज मोस्ट नेसेसरी थिंग, बिकॉज यू नो एराउहो जिस मतलब एराउहो जब वो डिफेंड कर रहा था एंड ही टुक द रेड कार्ड मीनवाइल, वहां पे एक डीएम का काम होता है उस पीसेस को कवर करना, जब भी आप बॉल यूज करते हो ट्रांजिशन में, यू आर मेकिंग एन अटैक और आप ऑपोजिशन के हाफ में बॉल लूज करते हो, देन डिफेंसिव मिडफील्डर का सबसे पहला काम होता है उसको डिफेंड करना, उस बॉल के ऊपर जाना, और ये क्रिस्टेंसन अकेला करता है बार्सिलोना में, फ्रेंकी डी योंग का ये काम नहीं है, उसका ये जो ट्रेट नहीं है तो वो ये नहीं करेगा,
देर आर मेनी लाइक यू नो देर आर मेनी इनसाइट्स ऑफ द गेम, और ये मैं भी देख देख के अभी सीख रहा हूँ. सो इट्स नॉट वेरी इजी लाइक ब्लैक एंड व्हाइट कि यार हाँ हम अच्छा किया तो जीत गए और अच्छा नहीं किया तो हार गए. दिस इज द ग्रे एरिया, सर्कमस्टेंसेस वेयर अगेंस्ट अस ट्रूली. और ऐसा नहीं कि मतलब किलियान एम्बापे ने हमको फिर से पेल दिया, ऐसा कुछ नहीं था. किलियान एम्बापे का वो जो दो गोल था वो पूरा सिचुएशन का फेवर था और उसने गोल किया. हमने किलियान एम्बापे को बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड किया. कुबार्सी प्लेड अ ब्यूटीफुल गेम इंस्टेड ऑफ वी कंसीडर्ड फोर गोल. एंड ऑल आई कैन से इज वी आवर स्क्वाड विल इम्प्रूव एंड आई थिंक जावी शुड स्टे, क्योंकि उसके जो ही इज डायरेक्शन, ही इज इन द राइट डायरेक्शन. वी जस्ट नीड अ कपल ऑफ प्लेयर. मैं किसी होप नहीं देना चाहता, बट मैंने जो आज गेम प्ले देखा बार्सिलोना से, आई एम टू वेरी मच श्योर कि 11v11 होता तो वी कुड हैव टेकन दिस मैच 100%. आई एम ऑल्सो इक्वली सैड. मुंबई को बहुत ही मतलब क्या बोला, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, आई एम डिसगस्टेड विद दिस रिजल्ट. बट यू नो वट, अंदर ही अंदर एक अच्छा लग रहा है कि चलो हमने फाइट दिया, वेयर इन द राइट डायरेक्शन. टाइम लगेंगे भाई, ऐसा नहीं कि एक 2 दिन में सक्सेस नहीं मिलता. ठीक है, देर आर लॉन्ग स्टोरीज. 2 दिन में सक्सेस कहीं पे भी नहीं मिलता. इस बार हमने अच्छा किया, क्वार्टर फाइनल से पहुंचे. ओके, वी पुट अ गुड परफॉर्मेंस, रेस्पेक्टेबल परफॉर्मेंस विद दिस स्क्वाड विद द यंग प्लेयर्स, एंड आई एम हैप्पी. कोई बात नहीं, इट्स टाइम टू सपोर्ट द टीम.